बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 लेक्चर हमारा 3 है। टॉपिक है, नेम है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम बेसिकली एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम सबसे पहले एक धागा ले रहे हैं, धागे के साथ एक मास को अटैच कर दिया है और मास का ये वेट नीचे की जानब है, W इज इक्वल टू वेट होता है mg के इक्वल। ऊपर उसी ही की टेंशन है, वेट की टेंशन है। वेट और टेंशन आपस में इक्वल है लेकिन अपोजिट है, जिसकी वजह से एक दूसरे के कैंसिल को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अब इसी तरह हम मास को खींच के लेके जाएंगे, उसकी एक्सट्रीम पोजीशन एक ही जाएगी। इस खींचने के दौरान उसमें एक तो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी। कैसे होगी? ये जो मास है इसका वेट ये नीचे की तरफ है एम जी। अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे नीचे नहीं आएगा, इधर जाएगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ, मेन पोजीशन ओ की तरफ अपनी जाएगा। इसके इसमें जो वजन की फोर्स है वो दो हिस्सों में रिजॉल्व हो जाएगी, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा। इसी तरह आप जब हम इसे एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ेंगे, ये इधर से मूव करना स्टार्ट होगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ। रीस्टोरिंग फोर्स वजन वेट की जो फोर्स है इसको प्रोवाइड करेगी रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये अपनी मेन पोजीशन पे जाएगा, ये इधर जाके रुकेगा नहीं बल्कि इनर्शिया की वजह, इधर आगे इसकी रीस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाएगी लेकिन ये रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से ये आगे मूव करता रहेगा, ये अपनी अगली एक्सट्रीम पोजीशन बी तक जाएगा। उधर जाने के बाद ये दोबारा रीस्टोरिंग फोर्स की तरफ बैक आएगा, फिर अपनी मेन पोजीशन की तरफ। इस तरह इसकी ऑसिलेशन जो वाइब्रेशन है चलती रहेंगी, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन इसकी चलती रहेगी। अब मैं आपको ज़रा बुक की तरफ लेके जाता हूँ, रीडिंग की तरफ। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम आल्सो एग्जिबिट SHM। सिंपल पेंडुलम जो बेसिकली क्या है, एग्जांपल SHM, ये शो करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मास है, ये एक बॉब है, ये इसका मास M है, वेट इसका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। फॉर्म अ लाइट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग धागे के साथ ब्रीक से धागे के से इसको अटैच कर दिया है एट अपर फिक्स्ड, ऊपर एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ अटैच कर दिया इन द इक्विलिब्रियम। इधर ये बिल्कुल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इसका मतलब देयर इज नो नेट फोर्स इज एक्ट ऑन इट, अभी तक इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, फोर्स इस पर जीरो है। बॉब इज स्टेशनरी, मतलब बिल्कुल साकन हालत में है, मूव नहीं कर रहा। नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉब टू द एक्सट्रीम पोजीशन बी, अगर हम इसको खींच के उसकी एक्सट्रीम पोजीशन बी तक लेके जाएंगे, ए तक लेके जाएंगे, द नेट फोर्स इज नॉट जीरो, तब फोर्स जीरो नहीं होगी क्योंकि अब हम इसको डिस्प्लेस करके खींच के ले गए हैं। देर इज नो फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द स्ट्रिंग एज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैंसल द कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा इधर हम आपको लेके जाते हैं, ये एम जी कॉस थीटा इसका कंपोनेंट है, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा। हैंस देर इज नो मोशन अलॉन्ग द डायरेक्शन, क्योंकि इसके डायरेक्शन के अलॉन्ग कोई मोशन नहीं है, इसलिए ये सिर्फ एम जी साइन थीटा ही रहेगा, क्योंकि इसकी जो मोशन होगी एम जी कॉस थीटा की डायरेक्शन के आगे कोई मोशन नहीं है, इधर को कोई मोशन वो नहीं करेगा, इसकी मोशन जो होगी वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ एम जी साइन थीटा से मूव करेगा, इधर की तरफ होगी मीन पोजीशन की तरफ। द कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी साइन थीटा इज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन, एम जी साइन थीटा डायरेक्ट होगा अपने टूवर्ड किसकी तरफ जाएगा, अपनी मीन पोजीशन की तरफ। ड्यू टू द दिस फोर्स द बॉब स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द मेन पोजिशन, इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही बॉब अपने मेन पोजिशन की तरफ मूव करेगा, जो मेन पोजिशन जिसको हमने ओ का नाम दिया है। एट ओ द बॉब हैज़ गॉट द मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ से हम एक्सट्रीम पोजिशन पर इसकी वेलोसिटी जीरो थी, मेन पोजिशन पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इसी तरह वेलोसिटी कम होती जाएगी आगे, लेकिन बी पोजिशन पर इसकी जाके फिर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा बैक आएगा फिर अपनी मेन पोजीशन की तरफ, मेन पोजीशन पे आ गया फिर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, इसी तरह जब फिर दोबारा ए पे जाएगा मैं अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन ये ऑसिलेशन इसकी स्टार्ट रहेंगी ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से आगे लिखा हुआ है मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यू टू इनर्शिया। इट डज नॉट स्टॉप ओ, ये ओ पे आके स्टॉप नहीं करेगा इनर्शिया की वजह से, इट कंटिन्यूज मूव टूवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन बी, ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी तक मूव करेगा फिर दोबारा ए की तरफ जाएगा। ये
ड्यूरिंग दिस मोशन टूवर्ड पॉइंट बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉब डिक्रीजेज ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जब मीन पोजीशन से बी की तरफ जा रहा था तब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, लेकिन बी पोजीशन पे जाके वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन दोबारा जब रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बैक आएगा मीन पोजीशन पे, फिर इसकी वेलोसिटी इधर आके मैक्सिमम हो जाएगी। द वेलोसिटी ऑफ द बॉब बिकम जीरो एट री, जब बी पे पहुंचा उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, मैंने अभी आपको बता दिया। द रीस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा स्टिल एक्ट टूवर्ड द मेन पोजीशन। अभी मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि रीस्टोरिंग फोर्स थी जो एम जी साइन थीटा, वो एक्ट कर रही थी उसकी मेन पोजीशन ओ की तरफ। आगे चलते हैं। एंड ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब अगेन स्टार्ट मूविंग। इसी फोर्स की वजह से बॉब रुकेगा नहीं, दोबारा मूव करेगा अपनी मेन पोजीशन की टूवर्ड द मेन पोजीशन ओ। इन दिस वे द बॉब कंटिन्यू इट्स टू एंड फ्रो। इसी की वजह से बॉब जो मैस है वो अपनी टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे की हरकत अपनी मेन पोजीशन के गिर्द जारी रखेगा। इट इज़ क्लियर दैट द अबव डिस्कशन द स्पीड ऑफ द बॉब इंक्रीजेज वाइल मूविंग फ्रॉम ए टू ओ। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ए पे वेलोसिटी जीरो थी स्पीड, जैसे ही ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाता जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ओ पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज़ आल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड ओ। एक्सेलेशन क्या होगा, एक्सेलेशन भी उसकी मेन पोजीशन ओ की तरफ ही डायरेक्ट करेगा, लेकिन ओ के बाद जब ऊपर को जाएगा इधर एक्सेलेशन माइनस में होगा। इसी तरह सिमिलरली व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम ओ टू बी इट्स स्पीड डिक्रीजेज। जब ओ से, कि दोबारा मैं दिखा रहा हूँ, ओ से बी की तरफ जाएंगे तो इसकी स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। वो मैंने पहले भी बताया कि बी पे जाके बिल्कुल जीरो हो जाएगी। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज अगेन डायरेक्टेड टू, एक्सेलरेशन फिर उसका डायरेक्ट मूव करेगा अपनी मेन पोजीशन ओ की तरफ। देयरफॉर ये हो गया, इट फॉलोज डैट द एक्सेलेशन ऑफ द बॉब इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मेन पोजीशन ओ। ये वही बता रहा है कि ये पूरा पाथ, ये उसका चक्कर चलता रहेगा, इसका एक्सेलेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगा, हैंस मेन पोजीशन पे जाके एक्सेलेशन जीरो हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलेशन मैक्सिमम होगा। हैंस द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एस एच एम। ये सारी चीज़ किसको जाहिर कर रही है कि मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एक मिसाल है। वी हैव टू फॉलोइंग फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इस फार्मूले की मदद से हम पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। टी इज इक्वल टू 2πL/g अंडर रू। एल लेंथ ऑफ पेंडुलम है, जी ग्रेविटी की वैल्यू है, 2π कॉन्स्टेंट है, इसकी हम वैल्यू इधर जब फिटअप करेंगे तो टाइम पीरियड हमें इसका फाइंड हो जाएगा। इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।